शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आपको आज बता देता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट नाइन्थ क्लास के अंदर देखें, अगर आप पहली से लेकर आठवीं तक अगर देखें तो सारे कॉन्सेप्ट मतलब तकरीबन आप मिलते जुलते हैं। कोई ऐसी चीज़ अलजबरा तक है वो एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब नाइन्थ क्लास की बात आती है वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स एक नया कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। अब मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो वो कह रहा है रेक्टेंगुलर अरे और आ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 1, 2, 3, 4 up to 7 such as ओके अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास एक चीज आती है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, उसमें वो कह रहा है रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। बात असल जो हमारे पास आती है वो ये है, उसने बात की कि ये है कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर, मीन के जितने भी आपके पास रियल नंबर हैं वो जीरो से लेकर, ठीक है, 0, 1, 2, 3 आपके पास जीरो से लेकर जो रियल नंबर है कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, वो आप, मैं इसको बॉक्स भी बना देता हूं, ये एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हमने इसको लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, मीन के रियल नंबर की कोई कलेक्शन जिनको हम किसके अंदर लिखते हैं रेक्टेंगुलर अरे के अंदर या उसके फॉर्म बनाते हैं रेक्टेंगुलर, तो और उसको इनक्लोज किसके साथ करते हैं ब्रैकेट्स के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये क्या कहलाता है मैट्रिक्स। मैंने आपको बता भी दिया कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनी रैंडम नंबर उनको हमने ब्रैकेट के अंदर अगर इनक्लोज कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक मैट्रिक्स। क्या बन गया? मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है, यहां से मैट्रिक्स की एक ही बात समझ आती है, वो ये है कि कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो कि हम एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लिखें और उसको ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज मतलब बंद कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स। बात समझ आई? अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 up to 7 सच एज, इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिख लें एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की ये एग्जांपल है। आप इसको लाजमी नहीं कि रेक्टेंगुलर में लिखें, अगर आप इसको इस तरह भी लिखते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको सिंगल आप इस तरह भी लिखते हो 1, 2 ये भी एक मैट्रिक्स है, 1, 2 ये भी एक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रियल नंबर आप लिखोगे वो आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। बात समझ आ गई?
यहां तक हमारा जो कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1 to 7 सच एज दीज नंबर एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे चल के आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स की कितनी फॉर्म है, किस तरह इनको सॉल्व किया जाता है, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इनकी कितनी कितनी टाइप्स आएंगी। तो अभी तो ये हमारे पास बेसिक इसकी डेफिनेशन है। अब इसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने देखा होगा, हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, अब बात आती है मैट्रिक्स की, मैं दोबारा लिख लेता हूं मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। कहने का मतलब ये था, अगर मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स के अंदर दो चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? वो क्या है? रोज एंड कॉलम, दो ही चीजें हैं मैट्रिक्स के अंदर। क्या क्या होती हैं? रोज एंड कॉलम। अब बात जब रोज और कॉलम की आती है तो हम चेक करते हैं रोज कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं। आपने हमेशा याद रखना जो हॉरिजॉन्टली आपके पास आ रही होती है ये चीज, ठीक है, ये आपके पास होती हैं रोज। क्या होती हैं? रोज। हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं? रोज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अगर आप, बल्कि इसको मैं लिख भी देता हूं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये रोज हैं, और जो आपके पास वर्टिकली हैं वो आपके पास क्या है? कॉलम। ये क्या है? कॉलम। तो यहां पे एक बात जाहिर होगी है वर्टिकली, ठीक है, मैंने लिख भी दी है। तो मैट्रिक्स के अंदर एक चीज तो आपको सामने नजर आ रही है, एक रो मतलब कि एक टाइप क्या है? रोज, और दूसरा क्या है? कॉलम। तो मैट्रिक्स के अंदर तीसरी चीज कोई नहीं है, सिर्फ दो चीजें, एक रोज है और दूसरा कॉलम है। तो अब इसकी बात यह है कि जब भी मैट्रिक्स के अंदर आप अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास, यहां तक आपका ये क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट देखें हमारे पास आता है ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात करें अगर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की, ये वो वाला ऑर्डर नहीं है कोई आपको ऑर्डर देता है ये कर दो वो कर दो, नहीं। ऑर्डर होता है अरेंजमेंट, ठीक है। ऑर्डर मतलब कि आपने जब भी ऑर्डर की बात करनी है ना, मीन के जो कोई भी पूछे आपसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यार मुझे इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर का मतलब है कि वो आपसे सिर्फ नंबर ऑफ रोज और कॉलम पूछ रहा है, उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, दैट्स इट। अगर हम इसी की बात करते हैं, ये हमने एक मतलब कि लिख भी लिया, हॉरिजॉन्टली हमारे पास रोज है और वर्टिकली हमारे पास कॉलम है। अगर मैं देखूं यहां पे तो हमारे पास रोज कितनी आ रही हैं? 1 and 2। कितनी रोज आ गई हैं? 2। बाय कॉलम कितने हैं? 1, 2 and 3। कॉलम कितने हैं? 1, 2 and 3। हमेशा याद रखिएगा रोज पहले आती हैं, कॉलम बाद में आते हैं। जब भी आपने लिखना है इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 by 3, ठीक है, 2 cross 3, ये भी इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर है। तो कहने का मतलब यहां से ये डिपेंड कर रहा है, पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या है। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो 2 by 3 मीन के 2 rows और 3 columns, 2 rows और 3 columns। तो यहां पे भी देख लें 2 rows 1, 2, 3, 3 columns। तो ये हमारे पास था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इसके अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए जरूरत नहीं है, बुक्स में मौजूद है, लेकिन मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट से मुराद, अब पहली बात है ऑर्डर,
कुछ बच्चे जो नए हैं बिल्कुल 9th क्लास के अंदर, उनको ये नहीं समझ आती ऑर्डर होता क्या है। अगर कोई उर्दू मीडियम है तो ऑर्डर उसके अरेंज उसके मुताबिक अगर आप देखें तो, अगर कोई पूछे तो उसमें आपने कॉलब कहते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है कॉलब, तो कॉलबों का ऑर्डर क्या होगा वो ये है का, मतलब कि कितनी उसके अंदर कतारें हैं और कितने कॉलम है, ठीक है कतार, रोज को कहते हैं कतार। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें, ए हमारे पास है 2, 3, -5, 6, बी अगर हम देखते हैं वो हमारे पास है 2, 0, 3 और 5। अगर हम इन्हीं का देखें ऑर्डर, आप मुझे खुद बताएं, अब गौर से देखिएगा कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1, 2, 2 बाय, कॉलम कितने हैं जी, अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो वो कितने हैं हमारे पास, 1, 4, 2, तो इसका मतलब है 2 बाय 2, ये हमारे पास इसको ऑर्डर बन गया। अगर नीचे वाले का देखें तो अगेन ये कितनी रोज है, 1, 2, कॉलम कितने, 1 और 2, इनके 2 बाय 2। तो यहां से हमारे पास ये तो बात समझ आ गई कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। इसी तरीके से मैं एक और उठा लेता हूं, सी हमारे पास है, सी हमारे पास है 2, 4, ठीक है। सी को अगर हम देखें तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, हमने अगर इसका ऑर्डर बताना है तो वो कितनी रोज हैं, जस्ट सिंपल 1 रोज 1 बाय, जबकि कॉलम कितने हैं, कॉलम की तरफ देखा जाए तो एक कॉलम ये नजर आ रहा है और एक कॉलम ये नजर आ रहा है, तो 2, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 1 बाय 2। अगर हम इस चीज को देखें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डिफरेंट, जैसे नेक्स्ट में आ रहा है डी को अगर हम देखें 4, 0, 6, अब इस तरह के टाइप का कॉलम हो तो इसके अंदर रोज कितनी है देख लें, अगर गौर से देखें तो 1, 2, 3, 3 रोज बाय, जबकि कॉलम कितने हैं, सिंगल एक, एक ही कॉलम नजर आ रहा है, तो 3 बाय 1, ये आपके पास इसका ऑर्डर आ गया। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से ई आपने खुद करना है, एफ एक मैं आपको करवा देता हूं, एफ के अंदर सिंगल एक ही एंट्री है जिसको कहते हैं 2। जब आप गौर से ये याद रखिएगा कि अगर एक ही एंट्री हो तो आपने बताना है इसके अंदर रोज और कॉलम, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 बाय 1, ठीक है, एक एंट्री हो तो उसका ऑर्डर क्या बनता है, 1 बाय 1। ये था कुछ हमारे पास एग्जाम्पल, अगर कोई एक दो पार्ट में नहीं बीच में से कर रहा, जी एच और ई आसान से है, आपने खुद उनको ट्राई करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि सर हमें नहीं समझ आई, काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें, वो वाले पार्ट भी, वो भी मैं कर दूंगा। बहुत सी कोशिश कीजिएगा कि आपने मुझे लाजमी वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी, आपने लाजमी मुझे बताना है। इंशाल्लाह आपकी इन्हीं मोहब्बतों के जरिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा पाऊंगा, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा पाऊं, तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। तो यहां तक हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आप उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाइक भी करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सबका फायदा हो जाए, और हमारा काम ही यही है इल्म फैलाना, तो इल्म से जितना ज्यादा ज्यादा कोई फायदा उठाएगा तो हमारे लिए क्या, उसके लिए अपने लिए फायदा है। तो अल्लाह ताला सबको हम अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तो तब तक के लिए अपने सर मोहम्मद वकार खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।